जो सबसे पहला संदेश है वो प्रभु रघुनाथ जी के उपलक्ष में निकाली गई है, ताकि हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो, इसलिए ये जलेब निकाली गई है। और उसके उपरांत ये एक हमारा छोटा सा शक्ति प्रदर्शन भी था सरकार के प्रति, ताकि सरकार ये ना सोचे कि हम लोग आँखें मूंद कर सोए हुए हैं और हमें किसी चीज़ का पता नहीं है कि जो सरकार हम लोगों के साथ धक्का कर रही है, जो हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तीन तीन बार वादा करके हमें आयोग नहीं दे रही है, इन चीज़ों को सरकार को दोबारा रियलाइज करवाने के लिए आज हमने ये जलेब निकाली है। और सरकार से हम प्रत्यक्ष रूप से बोलना चाहते हैं कि 70 साल से आप लोग एक ही कम्युनिटी का शोषण कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और हम सभी ने मिलकर इस बार ठाना है कि अगर कोई हमारा साथ नहीं देता तो हम भी उसका साथ नहीं देंगे। इलेक्शन आगे नज़दीक है, एक बार सामान्य वर्ग ने हिमाचल सरकार को अपनी प्रत्यक्ष शक्ति का प्रमाण दे दिया है, जो उपचुनाव हुए थे, आगे भी प्रमाण देने के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने सोचना है कि सरकार क्या करे। अनुसूचित जाति के कार्यक्रम दिल्ली से हेलीकॉप्टरों में उनके नेताओं को लाकर कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का एक भी कार्यक्रम नहीं, ना ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर कोई बोल रहे हैं, ना ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे साथ तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। तो हम फिर से एक बार सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें भी किसी से ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए, वो हमारा संवैधानिक हक है और हम उसे लेकर रहेंगे। धन्यवाद। मैं KS जमवाल, प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग शिवकुमार हिमाचल प्रदेश और राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। हम लोग, जैसा कि भूपेंद्र भाई जी ने कहा है, कि हम लोग आज यहाँ पर अपने सामान्य वर्ग के युवाओं और सभी लोगों को इकट्ठा करके भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ लेने आए थे, क्योंकि हम लोग, ये जो हिमाचल की सरकार है और केंद्र की सरकार है, हमारी बातों को अनसुना कर रही है। हम बड़े बड़े ही मर्यादा में रहकर बातचीत करते हैं और इनसे बात कर रहे हैं कि आप देखिए, आज़ादी के बाद समानता रखिए, एक समान रखिए, हम किसी जाति विशेष या जाति के किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद सभी का समान का अधिकार है, आज़ादी सबकी हुई है, मगर ये नहीं होना चाहिए कि किसी जाति, कुछ जाति विशेष के तुष्टिकरण के नाम पर हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग सरकार को बार बार कह रहे हैं, मगर हिमाचल सरकार अनसुना कर रही है, जबकि बाकी लोगों के आयोगों के लोग दिल्ली से आकर यहाँ पर और सरकारी तंत्र को यूज़ करके हिमाचल सरकार उनकी बैकअप में खड़ा होके उन जातियों के लिए खोल खोल के अपना कुबेर खोल के धन आवंटन कर रहे हैं और उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे थे, सरकार ने माना है, हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन के ऊपर नोटिफिकेशन भी कर रखी हुई है, मगर उसके बाद भी चुप्पी साधी हुई है। और हम लोग एक बार फिर गए थे, हमने मुख्यमंत्री महोदय को चेतावनी दिया था कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे और हमारा सामान्य वर्ग आयोग का गठन नहीं करेंगे, हमारी दूसरी समस्याओं को हल नहीं करेंगे, हम कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं, हम तर्ज की बात करते हैं कि जो बाकी लोगों को देते हैं वो हमारे भी, हमें भी दिया जाए, हम ये चीज़ें मांग रहे हैं, मगर सरकार अनसुनी कर रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को पहले भी ये आगाह कर दिया था कि आगे आने वाले इलेक्शन में, वरना हम लोग, अगर आप हमारे को अनदेखा करेंगे, हमारे युवाओं को प्रताड़ित करेंगे, तो हम लोग आने वाले इलेक्शन में अपना जो वोट का अधिकार है उसको यूज़ करके आपका विरोध करेंगे। आज चलो उनको तो बोल रहे हैं,
मगर आज यहाँ हम भगवान रघुनाथ जी के दरबार में भी आए हुए हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दीजिए, हम भी स्वर्ण हैं, हम भी तिरंगे वाले हैं, हमने भी स्वर्ण का झंडा उठाया हुआ है, हमारा मैक्सिमम वोट बैंक जो है इस बीजेपी को जाता है, मगर फिर भी हमें अनदेखी करते हैं। आज हमने भगवान रघुनाथ जी से प्रार्थना की है कि हमारी हिमाचल सरकार को, केंद्र से हमारे मोदी जी भी यहाँ आए हुए थे, उनको भी सबको सद्बुद्धि दे, ताकि आने वाले समय में, आने वाले वोटों के समय में सामान्य वर्ग का इनका कोर वोट बैंक जो है वो आपके विरुद्ध ना चला जाए। इसलिए हम लोग आज यहाँ भगवान रघुनाथ जी की शरण में आए हैं कि आप भी सद्बुद्धि दीजिए इन सरकारों को, ताकि हमारा युवा प्रताड़ित ना हो। 70 साल से ऊपर आज़ादी के हो गए हैं, मगर अपने पर्व मनाए जा रहे हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। धन्यवाद जी। नीलाचार्य जी, आप यहाँ पर आई हैं, क्षत्रिय महासभा की जो रैली निकाली गई है, जलेब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहूँगी कि आज की जो रैली निकाली गई है, रघुनाथ जो हमारे मंदिर यहाँ विराजमान है, तो यहाँ के लिए रवाना हुई थी हमारे जो भूतनाथपुर से, तो बहुत अच्छा लगा इसमें जो कि जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग का आम जनता की तरह होता है, जो सरकार को भी सोचना चाहिए कि सामान्य वर्ग कब तक लड़ती रहेगी, तो इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो आज जो रैली निकाली गई है वो भगवान रघुनाथ जी के बारे में ही निकाली, हर वर्ष जो है इसी तरह जो है रैली निकाली जाएगी, और यहाँ तक हम मंदिर के लिए प्रस्थान होंगे।